नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। तेज की तकरार किसकी सरकार, जिसमें हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव 2023 की। तो आइए शुरू करते हैं तेज की तकरार किसकी सरकार। प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे से पहले सियासत अपने चरम पर है। रानी लक्ष्मीबाई से लेकर महिलाओं तक और सिंधिया से लेकर समीकरणों तक की गूंज है, और तो और बात डीएनए तक भी जा पहुंची है। यह खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों इतिहास के पन्ने खंगाले जा रहे हैं। बुधवार को दिग्विजय सिंह के बयान के बाद अब सिंधिया का ये ट्वीट सामने आया है। दिग्विजय ने सन 1857 याद किया तो सिंधिया ने सन 47 से बात शुरू की। इस पूरी सियासत के तार शुक्रवार को होने जा रही प्रियंका की सभा से जुड़े हैं। कांग्रेस के लिए प्रियंका गांधी का ग्वालियर दौरा कई मायनों में खास है। एक तरफ तो सिंधिया के गढ़ में कांग्रेस की उन्हें घेरने की कोशिश है, तो दूसरी तरफ महिला वोटर्स वाला समीकरण भी अपने आप में अहम है। लेकिन उससे पहले सुनिए दिग्विजय सिंह क्या कह रहे हैं। जबरदस्त उत्साह और उमंग है लोगों में, और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष ग्वालियर के नेतृत्व में बड़ा जबरदस्त माहौल बना है। ग्वालियर हमारी नेता आए कोई और महारानी लक्ष्मीबाई जी की प्रतिमा पे ना जाए, ये कभी संभव है क्या? यानी साफ है कि महिला वोटर्स के समीकरण को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों सजग है। कांग्रेस जहां आदिवासी और दलित वोटर्स वाले इलाकों में राहुल और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे को उतारेगी, तो शहरी इलाकों में महिलाओं को साधने प्रियंका गांधी मोर्चा संभालेंगी। उम्मीद ये भी जताई जा रही है कि 5 गारंटियों के अलावा प्रियंका के दौरे में कोई बड़ा ऐलान भी संभव है जो महिलाओं से जुड़ा हो सकता है। इधर लाडली बहना योजना जैसी गेम चेंजर स्कीम लाकर बीजेपी पहले ही मास्टर स्ट्रोक खेल चुकी है, और रक्षाबंधन के आते आते बीजेपी एक और बड़ी सौगात देने की तैयारी में दिख रही है। वहीं प्रियंका गांधी के ग्वालियर दौरे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से अटैकिंग मोड में नजर आ रही है। एक इटालियन संस्कृति से ये उपजा हुआ परिवार, जिसने सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार के लिए राजनीति की, आज उनके डीएनए को वीरांगना लक्ष्मीबाई के डीएनए से जोड़ना हमारे बलिदानियों का अपमान है, ये देश स्वीकार नहीं करेगा। कांग्रेस का मूल डीएनए जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार है, जिसमें डी से डायनेस्टिक, जिसमें एन से नेपोटिज्म और ए से अपीजमेंट है, यही कांग्रेस का मूल डीएनए है। प्रियंका के एमपी दौरे से सियासत नई दिशा लेती नजर आ रही है। बात डीएनए तक जा पहुंची है। कांग्रेस रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी और प्रियंका का एक ही डीएनए बता रही है, तो बीजेपी ने इटालियन मूल का मुद्दा फिर छेड़ा है। कुल मिलाकर चंबल में छिड़ रही इस जंग का असर पूरे एमपी पर देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। चुनाव में वादे होते हैं, दावे होते हैं, विकास के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की सियासत में अब चुनावी वादों और दावों की जगह सियासी संकल्प, प्रण और प्रतिज्ञा लेती जा रही है। चुनाव में भले ही अभी कुछ ही महीनों का वक्त बचा हो, लेकिन तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है, और नेताओं के ऐसे ही बयान, संकल्प और ऐलान सामने आने लगे हैं। तो चलिए जानते हैं सत्ता की लड़ाई में सियासी संकल्प। पहले भूपेंद्र सिंह, चुनाव में एक दिन भी खुरई नहीं जाऊंगा, तब भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनता खुरई से चुनाव जिताकर भेजेगी। फिर संजय पाठक, खुद वोटिंग करा रहा हूं, लिख के भेज रहा हूं, वोट बना के ऐसे कि चुनाव लड़े या ना लड़े टिक लगा, और वो कट्टर से अगर 50% पहुंच गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब गोपाल भार्गव, गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहो। सियासत इन दिनों कुछ ऐसा ही रुख ले रही है। 2023 का चुनाव राजनीतिक बाजीगरी के अलावा संकल्प, प्रण प्रतिज्ञा और भावनाओं के दम पर होता दिखेगा। विकास के दावों और वादों से तर नेता अपनी अलग ही लाइन तय कर रहे हैं, चुनाव को अलग ही दिशा देने की कोशिश में है। सबसे पहले बात कैबिनेट मंत्री और खुरई से विधायक भूपेंद्र सिंह की,
जिन्होंने ऐलान किया है कि वो टिकट मिलने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र में वोट मांगने नहीं जाएंगे, जनता ही उन्हें जिता कर भेजेगी। एक विकास का मॉडल कैसा होता है वो लोग खुरई में जाके देख सकते, और मैं आपसे आज ये कह रहा हूँ कि मैं चुनाव में एक दिन भी खुरई नहीं जाऊंगा, तब भी ऐतिहासिक बहुमत के साथ जनता खुरई से चुनाव जिताकर भेजेगी। भूपेंद्र सिंह ने ये सियासी संकल्प लिया तो विजय राघवगढ़ से विधायक संजय पाठक ने अलग ही प्रण किया है। संजय पाठक चुनाव से पहले ही वोटिंग कराएंगे और जनता से पूछेंगे कि चुनाव लड़े या नहीं। पाठक ने कहा कि 50% से ज्यादा लोग चुनाव लड़ने को कहेंगे तभी चुनाव लड़ेंगे। अगर 50% से एक भी वोट कम हुआ तो वो चुनावी मैदान में नहीं उतरेंगे। जब तक 51% हक, दादा कहते हैं 70% लोग बोलेंगे, मैं बोलता हूँ 100% बोले, लेकिन 51 से 50 ना करना। 50 के नीचे अगर मेरे को खुद वोटिंग करा रहा हूँ, लिख के भेज रहा हूँ वोट बना के ऐसे कि चुनाव लड़े या ना लड़े टिक लगा, और वो कट्टर से अगर 50% पहुंच गया तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब रहली से विधायक और पीडब्ल्यूडी मंत्री गोपाल भार्गव ने चुनाव लड़ने को लेकर जारी सस्पेंस को एक झटके में खत्म कर दिया। उन्होंने मंच से कहा कि गुरु ने आदेश दिया है कि अभी तो 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है। साथ ही उन्होंने कहा कि भला गुरु का आदेश कौन टाल सकता है। साथ ही ये भी कहा कि गुरु ने ये कहा है कि कोई तुम्हारी कितनी भी आलोचना करे लेकिन तुम्हें निंदा नहीं करनी है। आप आगे देख लें, रिकॉर्ड कर लेना मेरे भाई, इस पे मोबाइल पे कर लेना, उस पे गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहना और जनता का भला करते रहना, कल्याण करते रहना, ना किसी से बुराई करना, ना किसी की निंदा करना। तुम्हारी कोई कितना ही निंदा करता रहे, कितनी ही बुराई करता रहे, कितना ही आलोचना करता रहे, तुम्हारे खिलाफ काम करता रहे, फिर भी उसकी निंदा नहीं करना। भूपेंद्र सिंह, संजय पाठक और गोपाल भार्गव, ये सियासत के वो माहिर खिलाड़ी हैं जिन्हें जनता की नब्ज और सियासी हवा के रुख का अंदाजा पहले से हो जाता है। लिहाजा इन सियासी संकल्पों के भी अपने मायने हैं जो बताएंगे कि ये संकल्प राजनीतिक बाजीगरी का हिस्सा है या फिर जनता के बीच इमोशनल कार्ड चलने के लिए उठाए गए कदम है। जो भी हो, लेकिन ये संकल्प ही तो चुनाव को दिलचस्प बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, नेताओं के बयान भी तेज होते जा रहे हैं। रतलाम के आलोट पहुंचे सांसद अनिल फिरोजिया का भी एक ऐसा ही अजीबोगरीब बयान सामने आया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी की तुलना मूंछ के बाल से की तो सोनिया और राहुल गांधी को पूंछ का बाल बता दिया। अतिशयोक्ति होगी, अगर मैं तुलना करूं कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी और इधर हमारे नरेंद्र मोदी, तो जैसे मूंछ का बाल नरेंद्र मोदी है और ये लोग पूंछ का बाल है, ये स्थिति है। मध्य प्रदेश में बीजेपी हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है। बीजेपी ने इसके लिए खास रणनीति भी बनाई है। बीजेपी हारी हुई सीटों पर राष्ट्रवाद की अलग जगाएगी और इसके लिए हर सीट पर कवि सम्मेलन और राष्ट्रवाद के कार्यक्रम किए जाएंगे। बीजेपी प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का कहना है कि अयोध्या, राम मंदिर, ट्रिपल तलाक, धारा 370 जैसे मुद्दों को उठाया जाएगा। राष्ट्र सर्वोपरि होता है, हमारी पार्टी का तो ये संकल्प है और इसी भावना के साथ हम काम करते हैं। चाहे राम मंदिर के निर्माण का संकल्प हो, चाहे धारा 370 हटाने की बात हो या 3 तलाक की बात हो, राष्ट्रहित के मुद्दों पे ही हमारी पार्टी काम करती है और उसी विचारधारा आधारित पार्टी उसी विचारधारा पे चलती है। तो हम तो हर सीट पे इसी लक्ष्य के साथ काम करते हैं। अब कांग्रेस थोड़ी जो राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ खड़ी होती है, जिसकी भारत जोड़ो यात्रा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, जिसको राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं, उसके लिए तो सिर्फ गांधीवाद, नेहरू परिवारवाद, ये उसी पर चलती है, परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी। हमारा तो यही एक लक्ष्य है, यही एक संकल्प है, यही ध्येय है और यही उद्देश्य, और इसी को लेकर हम काम करते हैं। चुनाव से पहले बीजेपी हारी हुई सीटों पर फोकस कर रही है और वो किसी भी मुद्दे को कांग्रेस के हाथ में नहीं देना जाने देना चाहती है। और ये वजह कि कांग्रेस जो मुद्दा उठा रही है उसे बीजेपी ने पलक झपकते ही लपक लिया।
लेकिन कैसे, इस खास रिपोर्ट में देखिए। एमपी बीजेपी मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी है, तभी तो इंदौर के विधानसभा क्षेत्र एक में कांग्रेस लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की बदहाली का मुद्दा उठा ही रही थी कि बीजेपी ने विश्व स्तरीय बनाने के लिए इसका भूमि पूजन कर दिया। पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी समेत बीजेपी नेताओं ने रेलवे स्टेशन का भूमि पूजन किया। लक्ष्मी रेलवे स्टेशन एक नया स्टेशन यहाँ बन रहा है और अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन बन रहा है, उसमें वो सब सुविधाएं रहेगी जो एक एयरपोर्ट की तर्ज पर रहती है। तो आने वाले दिनों में जिस प्रकार शहर का तेजी से विकास हो रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि अब जो रेलवे स्टेशन बनेंगे उसमें वो सभी सुविधाएं होगी जो आम जनता को आवश्यक होती है, तो सर सुविधा एक रेलवे स्टेशन बनेगा, बड़ी बिल्डिंग बन रही है, सभी सुविधाएं इसमें जो आज एयरपोर्ट पर मिल जाती है। इधर विधायक संजय शुक्ला का कहना है कि बीजेपी के नेता भूमि पूजन के अलावा कुछ नहीं करते, सीएम घोषणाएं करते हैं और इनके नेता भूमि पूजन करते हैं। पूरे शहर के अंदर हजारों भूमि पूजन हो चुके हैं, लेकिन इनके निर्माण के लिए ना केंद्र सरकार पैसा दे रही है और ना ही राज्य सरकार पैसा दे रही है, और यही हाल इस वर्ल्ड क्लास स्टेशन का भी होने वाला है। ये तो सिर्फ भूमि पूजन के अलावा कोई निकालता, मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते रहते हैं और इनके नेता भूमि पूजन करते रहते हैं। पूरे इंदौर के अंदर हजारों भूमि पूजन कर दिए, इनके पास पैसा नहीं है, ना इन्हें पैसा नहीं दे रही सरकार, पैसा नहीं दे रही ना केंद्र सरकार, पैसा दे रही ना मध्य सरकार, पैसा दे रही हमारे महापौर जी बेचारे, उनकी नहीं सुनी जा रही है। भूमि पूजन करे जा रहे हैं तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट और मध्य प्रदेश गवर्नमेंट सिर्फ जनता को गुमराह कर रही है, क्यों 2023 चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव की तैयारी में ये लोग बेवकूफ बना रहे हैं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता सब समझ गई है, आपकी कमलनाथ सरकार बनेगी और केंद्र में आदरणीय राहुल गांधी ने तो सरकार बनेगी। बहरहाल चुनावी साल है, इसलिए इस पर सियासत भी हो रही है और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ इंदौर से बंसल न्यूज के लिए पीयूष पारे की रिपोर्ट। और तेज की तकरार किसकी सरकार में, फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।